देश के 3 राज्यों में महिलाओं की चोटी कटी, रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। NBI न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि महिलाओं के बाल तो कटे हैं, लेकिन बाल किसने काटे हैं ये अभी तक साफ नहीं है। लोग भले ही खौफ में हो, लेकिन प्रशासन का वही दावा है कि ऐसी घटनाओं में सच्चाई कम अफवाह ज्यादा है। देश के 3 राज्यों में चोटी काटने की चर्चाओं से दहशत फैली है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुछ महिलाओं ने दावा किया है कि एक साई ने अचानक उनके बाल काट दिए। चोटी और बाल काटे जाने के दिल्ली में 3, हरियाणा में 17 और मथुरा में 6 मामले सामने आने का दावा किया गया है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। फिर भी दहशत में इलाके के लोग रात रात भर डंडों के साथ पहरा दे रहे हैं। बाल काटे जाने के ज्यादातर मामले छोटे इलाकों में होने का दावा किया गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हाथ में डंडा लेकर पुरुषों के साथ महिलाएं भी पहरा दे रही है। यहां बाल काटने की घटना से ऐसी दहशत की लोग रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी के लोगों के मुताबिक पिछले 2 दिनों में चोटी काटने की 5 घटनाएं हो चुकी है। इन दावों की वजह से यहां की महिलाओं में खौफ है और इस डर में इलाके के लोग देर देर रात तक पहरा दे रहे हैं। महिलाओं में डर ऐसा है कि वो रात को सिर पर कपड़ा बांध कर सो रही है। हालांकि पुलिस लोगों को न डरने की अपील कर रही है। पुलिस के मुताबिक बाल काटने के दावों में अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिससे सवाल उठते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में महिलाओं का दावा है कि एक साई ने इनके बाल काट दिए। इलाके के लोगों का दावा है कि यहां अब तक चोटी और बाल काटने की 8 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। यहां भी लोग हाथ में डंडा लिए पहरेदारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि 8 महिलाएं अब तक बाल काटे जाने का दावा कर रही है, लेकिन प्रशासन इन्हें अफवाह बता रहा है। फतेहाबाद के DG ने कहा है कि लोग बेवजह डर रहे हैं। जो भी चोटी काटने वाले शख्स के बारे में जानकारी देगा, उसे 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। UP के मथुरा में चोटी काटने की घटनाएं सामने आई। उत्तर प्रदेश में मथुरा के नगला शीशराम गांव में लोगों की घर की चौखट पर प्याज लटकी दिखाई दी। यहां प्रेमवती नाम की एक बुजुर्ग महिला की भी चोटी काट ली गई। परिवार का दावा है कि प्रेमवती सो रही थी, तभी एक साई ने आकर उनके बाल काट दिए। प्रेमवती के पति इस घटना से इतना डर गए कि उन्होंने एक तांत्रिक ही बुला लिया। तांत्रिक के कहने पर ही उन्होंने घर की दरवाजे पर प्याज बांधा और घर की महिलाओं की बाजू में धागा बांधा। हरियाणा बॉर्डर के पास दिल्ली के कांगनहेरी गाँव में घरों के बाहर नींबू और नीम की पत्तियां लटकाई गई है। गाँव के लोगों ने बताया कि जब से यहां पर चोटी काटे जाने की घटना हुई है, तब से महिलाओं में दहशत है। लोग 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। यहां पुलिस नहीं आ रही है, इसलिए खुद ही पहरा देना पड़ रहा है। न्यूज बैंक इंडिया ने अपनी पड़ताल में पाया कि महिलाओं के बाल तो कटे हैं, लेकिन बाल किसने काटे हैं ये अभी तक साफ नहीं है। लोग भले ही खौफ में हो, लेकिन प्रशासन का वही दावा है कि ऐसी घटनाओं में सच्चाई कम अफवाह ज्यादा है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।